हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे टू इयर्स, आपकी नेक्स्ट टू इयर्स की जर्नी, सफ़र कैसा होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है, ठीक है। तीनों क्रिस्टल ऑप्शंस में है। मैं एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूँ कि आप इंट्यूटिवली एक क्रिस्टल को पिक कीजिए। ग्रुप नंबर वन, रेड जैस्पर। एंड थैंक यू माई ऑल सब्सक्राइबर, माई व्यूअर्स, आप कितने टाइम निकल कर कमेंट करते हैं, मुझे बहुत बहुत मोटिवेट करते हैं माई डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रीन एवेंजोरन फॉर ग्रुप नंबर टू, थैंक यू। ग्रुप नंबर थ्री, लैपिस लाजुली, थैंक यू। जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करी है उसी को चूज़ कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर वन, वेलकम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टू ईयर्स की जर्नी, सफ़र, ब्लेसिंग्स क्या है, क्या चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और साइन रीडिंग है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। रेड जैस्पर आपने चूज़ किया है, चलिए देखते हैं एंजल क्या मैसेजेस दे रही है। एक ही कार्ड में यहाँ पर देखूँ कि एंजल की तरफ से मेन मैसेजेस, थैंक यू। कौन सी एंजल है? आर्कएंजल सैमुएल है। अनकंडीशनल लव, हार्ट हीलिंग एंड सेल्फ लव नंबर फाइव की एनर्जी है। आर्कएंजल सैमुएल सेल्फ लव की एनर्जी है। शैडो वर्क दिखाई दे रही माय डियर, आप शैडो वर्क करेंगे, अपनी खामियां को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर जो इम्परफेक्शन है ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर आगे बढ़ना, उस पर वर्क चलेंगे। पहली बात तो शैडो वर्क नंबर वन। दूसरी, आपकी रिलेशनशिप टू इयर्स में रिलेशनशिप हीलिंग होगी, वो परिवार वाले के साथ हो, सामने वाले की आपकी पार्टनर के साथ हो। मेन फोकस रहेगा यहाँ पर हार्ट चक्र, स्ट्रांगली हार्ट चक्र के ऊपर काम चलेंगे। अनकंडीशनल लव के लिए वो तैयारी मुझे दिखाई दे रही, कुछ व्यूअर्स को वो मिलेंगे भी माय डियर। जैसे पास्ट की कुछ ऊंस को जैसे आप हील करेंगे एंड आपके लाइफ में अनकंडीशनल लव आर्कएंजल सैमुएल ब्लेसिंग्स के तौर पर आपको भेजेंगे माय डियर, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं, थैंक यू। आपका सफ़र कैसा होगा, मेन मैसेजेस रिलेशनशिप आ रही है आपके लिए ड्यूरिंग टू ईयर्स, थैंक यू। सफ़र कैसे होगा, कैसा रहेगा टू ईयर्स, थैंक यू। मैं यहाँ पर आफ्टर टू ईयर्स नहीं देख रही, मैं सफ़र देख रही हूँ आपकी, मतलब टू ईयर्स में क्या क्या परिवर्तन है, क्या क्या शिफ्टिंग है, थैंक यू। एनर्जी का कितना बदलाव होगा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर वन जर्नी नेक्स्ट टू ईयर्स की, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मेडिटेशन में आपको बोल रही थी, आपको एक प्लैनेट रेमेडीज हो, कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि सेल्फ लव शैडो वर्क करना, शैडो वर्क का सबसे जो मतलब मस्ट रेमेडीज है वो तो मेडिटेशन शुरू से है ही माय डियर, वो आप करेंगे एंड कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा देखिए कितना बदलाव आ रही है आपकी ऑरा में। आपकी ऑरा ड्यूरिंग टू इयर्स काफ़ी बदलेंगे, चेंज होगा एंड स्पिरिट गाइड के साथ आपकी कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग होगी। प्लैनेट रेमेडीज मुझे नज़र आ रही है, कोई एस्ट्रोलॉजर ने आपको दिया, कोई टैरो रीडर रीडर ने दिया है, कोई सेशन थेरापी आपकी चलेंगे, कुछ ना कुछ मतलब आप रेमेडीज में रहेंगे माय डियर एंड ये वर्क करेंगे, बिकॉज मुझे ये फ्रूटफुल नज़र आ रही है। डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन के बारे में आप जानना चाहेंगे, वो मंत्र मेडिटेशन हो, योगा मेडिटेशन हो, विपश्यना हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन की जो क्लासिफिकेशन है आप चर्चा करेंगे, थोड़ी एंसेंट नॉलेज गैदर करेंगे, मुझे वो भी वाइब्स आ रही माइंड हियर। क्रिस्टल के साथ आप काम करेंगे, थैंक यू। एंजल एंड मास्टर्स, सिर्फ आपके लिए आर्कएंजल सैमुएल नहीं माइंड हियर, और भी एंजल्स एंड सीधस, यहाँ पर सेवन चक्र दिखाई दे रही है, सेवन चक्र आपके बैलेंस होने जा रहे हैं, किस तरह से एंजल अपने विंग्स से चक्रास को जैसे ढक के रखा है, प्रोटेक्ट करी आपकी ऑरा को। मैं आपको पहले बोल रही थी ये एनर्जी यूनिक है, ये एनर्जी यूनिक है, प्रोटेक्टेड है, ब्लेस्ड है, डिवाइनली गाइडेड है, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। क्राउन चक्र से एनर्जी है, एंड सी दिस एंजल्स एंड मास्टर, आपकी मोर देन टू मुझे एंजल्स एंड मास्टर्स दिखाई दे रही है, असेंडेंट मास्टर्स, आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। नंबर थ्री थ्री एनर्जी है,
नंबर सिक्स की एनर्जी है हार्मनी बैलेंस, मैं आपको अगेन कह रही हूँ रिलेशनशिप पर ही वर्क चलेंगे, हार्ट चक्रा हीलिंग पर वर्क चलेंगे, पास्ट की कुछ अगर कुछ भी ऊंट से वो तो भरेंगे ही, आगे जाकर आपके लाइफ में अनकंडीशनल लव गॉड प्रोवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं, थैंक यू, वन मोर मैसेजेस, थैंक यू माय स्वीट गाय, थैंक यू, वन मोर मैसेजेस, थैंक यू। ड्रीम्स, ये एक्चुअली मून एनर्जी, आपकी साइकिक पावर स्ट्रांग होंगे, बट यहाँ तो मुझे समुंदर दिखाई दे रही, सी की एनर्जी दिखाई दे रही, एंड सी एक्चुअल में पाइसिस एनर्जी है, जितना कैंसर है उससे कहीं ज़्यादा पाइसिस एनर्जी, ड्रीम करना, आप ड्रीम में जिएंगे और ड्रीम के पीछे भागेंगे उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, तो और एक कार्ड मुझे लेनी होगी, थैंक यू। वैसे आपका साइकिक पावर यहाँ पर इन्हेंस होगी, बट यहाँ पर मैं एक देखना चाहती हूँ कि आप ड्रीम में जिए रहेंगे या फिर हवाओं में कल्पना करते रहेंगे और उस ड्रीम के पीछे भागेंगे फुलफिल करने के लिए, चेस करेंगे ड्रीम को। चलिए देखते हो, और एक कार्ड मैं लूँगी, वैसे मैं 3 कार्ड ही स्प्रेड करने वाली थी यहाँ पर, थैंक यू। ओ माय गॉड, अब भागेंगे माय डियर, एकदम से पर्सनल पावर नंबर 13 कार्ड, आप तो भागेंगे नो डाउट उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, अपनी पावर को क्लेम कर। यहाँ पर आपका हीलिंग नहीं माइंड है, यहाँ पर आपका 7 चक्र, बिकॉज मुझे पहले लग रही थी आप हार्ट चक्र के ऊपर काम करेंगे, यहाँ पर 7 चक्र आपके एक्टिव है, क्राउन चक्र है, यहाँ पर इंट्यूशन है, 6 चक्र है, एंड नो डाउट 16 प्रक्षर चक्र। यहाँ पर आपका मतलब पावर को रिक्लेम करना, भागेंगे माई डियर, एक तगड़ा मुकाबला देना सामने वाले के लिए, लोग अगर आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे आप उन पर भारी पड़ेंगे, शत्रु पर भारी पड़ेंगे, एक मुट्ठी काफ़ी है, यहाँ पर मुट्ठी का मतलब वो मजबूती, पावर को रिक्लेम करना, मैं इसीलिए बोल रही थी। और एक कार्ड देखूंगी कि ड्रीम में जीने की एनर्जी है या फिर भागने की, एंड बॉटम ऑफ द डेक लव की एनर्जी है, रिलेशनशिप आपका मेन एनर्जी पे होगा, मैरिज यहाँ पर हो सकती है विद इन 2 ईयर्स, आपको अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट मिल जाए, थैंक यू। रिलेशनशिप हीलिंग भी, सामने वाला उतना एफर्ट्स नहीं लगा रहा था उस जगह पर भी वो भी लगाएंगे, क्योंकि रिलेशनशिप हीलिंग हो रही है, वो भी वर्क करेंगे आपके पार्टनर भी। कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखते हैं एंजल की तरफ से, थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू मस्पेट गाइड, दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसग्रेस माय डियर, स्थिति चाहे जो भी हो, स्प्रिट गाइड आपको कह रही है जजमेंट क्रिएट मत कीजिए कुछ भी घटना को देखकर, ब्लेसिंग्स उस घटना के पीछे ही है, जैसे छुपाया हुआ है, हिडन है ब्लेसिंग्स, तो कुछ भी अगर हो रही है तो उसी वक्त जजमेंट क्रिएट ना करें माय डियर, जज ना करें सिचुएशन को, स्प्रिट गाइड आपको कह रही है हर घटना के पीछे एक ब्लेसिंग्स है, एक रीज़न है, एंड उसके पीछे एक ब्लेसिंग्स है जो छुपाया हुआ है, थैंक यू माय स्प्रिट गाइड, थैंक यू। एंड जो भी आपकी लाइफ में हुआ है माय डियर, एक रीज़न की वजह से हुआ है, आपके लिए एक लेसन थे, मुझे थोड़ी पास्ट ऊन भी दिखाई दे रही है, यू विल फाइंड न्यू लव, ओके यू विल फाइंड न्यू लव, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, न्यू लव, मैं अगेन कह रही हूँ लव पर एनर्जी आ रही है, बिकॉज अनकंडीशनल लव, कोई पास्ट की टॉक्सिसिटी को छोड़कर, कार्मिक कुछ एनर्जी को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, बट आप हेवी होने वाले माय डियर, थैंक यू, शत्रु पर आप भारी पड़ने वाले हों, अगर आपकी बात चैट में शत्रु अंतरराज्योग हैं तो वो एक्टिव होंगे माय डियर, थैंक यू। द डिसीज्ड फैमिली मेम्बर और फ्रेंड हैज़ ए मैसेज फॉर यू, ओके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड, जैसे आपसे आपको ड्रीम के थ्रू से, साइन के थ्रू से, जो एक्सपायर कर चुके हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स, पर्टिकुलरली आपके एंसेस्टर और फ्रेंड भी हो सकते हैं माय डियर, थैंक यू, वो शायद आपको कुछ कहना चाहते हैं, वो साइन कुछ दे रहे हैं माइंड, एंड 2 ईयर्स में हो सकते वो साइन आपको दे, पर्टिकुलरली एंसेस्टर, कोई क्लोज फैमिली मेम्बर जो मतलब इस दुनिया में नहीं है, इस मृत्यु लोक में नहीं है, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आप में से कुछ व्यूअर्स मेडिसिन दवाई समय पर नहीं लेते हैं, अगर कुछ चल रही है आप भूल जाते हैं लेने में, या फिर घर वाले कुछ याद दिलाते हैं लेते हैं आप, थैंक यू। आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वियर्ड मैसेज मैं दे रही हूँ, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। यू नीड टू गेट ए हेल्थ चेकअप, ओ हेल्थ चेकअप, मैं आपको भूल रही थी, मुझे वाइब्स आप दवा टाइम पे नहीं लेते हैं, एंड यहाँ पर कह रही कि टाइम टू टाइम छोटी सी भी इशू आ रही है तो हेल्थ चेकअप ज़रूर कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए माय डियर, वन मोर मैसेजेस, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड मैंने मेडिसिन की बात की, हेल्थ की एनर्जी आई, मुझे वाइब्स आ रही थी माय डियर। यू शुड लिसन टू अदर पीपल्स एडवाइस,
डेफिनेटली माय डियर, मेडिटेशन की एनर्जी है तो और भी कंपैशनेट होने के लिए कहा जा रहा है। कोई एडवाइस अगर आपकी वो सीनियर पर्सन हो, आपकी गुरु हो, टीचर हो, इवन भाई बहन भी, फ्रेंड भी, कुछ दे रही है एडवाइस तो शायद लिसन करने की ज़रूरत है। स्प्रिट गाइड आपको कह रही है बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। यू शुड स्टार्ट ए बिजनेस, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर बिजनेस वगैरह स्टार्ट करें, कुछ नए कुछ स्टार्ट करेंगे माई डियर। चलिए देखते हैं टैरोट से। थैंक यू स्प्रिट गाइड, थैंक यू। नेक्स्ट टू ईयर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू माई स्पिरिट गाइड। आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी मिलने जा रही है, जैसे एक यहाँ पर एक न्यू लव है, सब बात सिर्फ न्यू लव की नहीं है माई डियर। ये सब शॉर्ट्स एक जैसे बहुत क्लाउडी एक वेदर थी लाइफ में, अचानक से धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो एक क्लैरिटी आ रही है। तो एक नई शुरुआत की बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एकदम से न्यू बिगिनिंग्स विद इन वन मंथ आ जाएंगे। ये सफ़र है, मैं अगेन कह रही हूँ, ये सफ़र है जो आपको क्लैरिटी तक लेकर जाएंगे, उस पावर को क्लेम करने में आपकी मदद करेंगे। थैंक यू। एक लीडरशिप क्वालिटी, जैसे मुट्ठी है ना, कि आप बन रही हो उस लीडरशिप क्वालिटी के लिए, आप रेडी हो रही हो, वो तैयारी में आप है। थैंक यू। एंड एक बिग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड जो ऑरा आपकी में मेडिटेशन से लेकर पर्सनल पावर, आप पूरे बदलाव मुझे दिखाई दे रही है। आपकी जो सफ़र है वो बदलेंगे, जैसे आप कुछ छोड़ेंगे, पीछे छोड़ेंगे किसी चीज़ को, अपने ही जो ओल्ड शेल्फ है उसको छोड़कर आगे बढ़ने की एनर्जी है। थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू सो मच, दिस इज़ योर मेन एनर्जी, डेथ ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू मस्पेट गाइड। टावर एनर्जी, आपका फर्स्ट कार्ड टावर है माय डियर। निस्संदेह आप किसी चीज़ को, टॉक्सिसिटी को, कार्मिक है ऐसे चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। जॉब चेंज हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए, करियर की परिवर्तन, एंड कुछ पर्सन के लिए हो सकता है कि शुरुआती दौर में वो सपोर्ट सिस्टम आपके पास ना हो, बहुत ज़्यादा लोग आपकी इस डिसीजन को कदर ना करें, आप अपने जॉब छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करें, बहुत सारे लोग उसको डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपने सुनने वाले हों। फोर ऑफ शॉर्ट्स, यस, उसके बाद एंड ज़रूरत है, टावर के बाद फोर ऑफ शॉर्ट्स की ही ज़रूरत आते हैं, एंड एक कार्ड आपकी मौजूद है, दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही थी सैमुएल आपके साथ है माय डियर। आप ना कुछ ऐसा कुछ करेंगे, पर्टिकुलरली ये एनर्जी मुझे करियर के लिए नज़र आ रही है टावर में। आप लोग कुछ कहते थे, आप करते रहते थे, आप अपने सुनोगे, फोर ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, बिकॉज थ्री ऑफ शॉर्ट्स चुबा है, कुछ चीटिंग वगैरह कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है, एंड डेफिनेटली वो आप लेट गो कर रहे हो माय डियर, सफर में वो लेट गो हो रही है। एंड द मैजिशियन एनर्जी, निस्संदेह, नो डाउट, आप 5D को 3D रियलिटी में क्लेम कर रहे हो, आप चेस कर रहे हो अपने ड्रीम को, बिकॉज वो पोटेंशियल को आप फिर से क्लेम कर रहे हो जो एक्चुअल में जन्मजात आपको मिला है माय डियर। जेमिनी वर्गो एनर्जी है, आप फिर से फ्यूचर को लिखेंगे माय डियर इस 2 ईयर्स के जर्नी में, सफर में। थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू, एंड दिस इज़ द एनर्जी। मेगन कह रही है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने पावर को, क्वीन ऑफ वांड्स मतलब अपने ऑरा में यूनिक है। कुछ बिजनेस की भी एनर्जी हो सकती है, बिकॉज एक बिजनेस कार्ड आया थी आपकी रीडिंग में। अपने पैशन को फॉलो करना, पैशन को लेकर प्रोफेशन बनाना कुछ व्यूअर्स के लिए, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए एक अथॉरिटी पोजिशन भी हो सकती है माई डियर। थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक सन एनर्जी माई डियर, यहाँ पर बदलाव बहुत होंगे, आपको रेडी होना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए टावर मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है, ये टावर मूवमेंट ऑलरेडी आपकी लाइफ में क्रिएट हो चुका है, एंड ये सफ़र चल रहा है, एंड आपका आपको जाना है क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी तक, तो ये सफ़र होगा माय डियर आपके लिए। बट पर्टिकुलरली कुछ व्यूअर्स के लिए अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है, कुछ व्यूअर्स जॉबलेस भी मुझे दिखाई दे रही, मतलब फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल चल रही है। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू मस्पेट गाइड, रिलेशनशिप के लिए देखते हैं। थैंक यू मस्पेट गाइड। आई डोंट नो, यहाँ पर जैसे सैटर्न एनर्जी, पर्टिकुलरली एक्चुअली स्कॉर्पियो एनर्जी मार्स से रूल्ड है, बट मुझे थोड़ी वाइब्स है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी, टावर एंड डेथ दोनों ही, एंड दोनों ही ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करता है। जैसे आपका सफ़र है केप से लेकर अंधकार से लेकर उस रोशनी तक पहुँचना, दिस इज़ डेथ एंड सन एनर्जी। शुरू जो है स्कॉर्पियो से, एंड पर्टिकुलरली सैटर्न का जैसे सन एनर्जी में बदलाव आना, जैसे डर थे, घबराहट होती थी, अब डर नहीं लगता है, अब अकेले जीने में भी वो डर नहीं लगता है, अपनी ही कंपनी को कोई पसंद कर रही है, खुलकर कोई जी रहा है, मुस्कुरा रही है,
किसी के ताने किसी के कमेंट कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वीन ऑफ वांड्स एनर्जी फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, एक कान में घुसाएंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। लोग इस ऑरा को यहाँ पर रिस्पेक्ट करेंगे, कुछ लोग तो मतलब ईर्ष्या भी करेंगे माय डियर क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी को देखकर। चलिए देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, दिस इज़ वर्क ऑन योर कनेक्शन। कुछ व्यूअर जो ऑलरेडी मैरिड है, रिलेशनशिप में है, वो डेफिनेटली कनेक्शन पर वर्क करेंगे, क्योंकि मैं आपको अगेन कह रही हूँ यहाँ पर रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ड्यूरिंग टू ईयर्स माय डियर। बट ये हीलिंग हो रही है माय डियर, सामने वाला भी इफ़र्ट्स लगा रही, लाइफ लेशन एंड हीलिंग। मैं क्या बोल रही थी, जैसे पट्टी बांधी हुई है हार्ट पर, रेड हार्ट पर पट्टी बांधा है किसी ने, तो मेडिसिन है माय डियर, मेडिसिन की एनर्जी है एक्चुअल में। मरहम किसने लगाया हुआ है जहाँ पर सैमुअल आपकी मदद करी माय डियर, थैंक यू। बट जो मैरिड है रिलेशनशिप में, उनकी कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी ड्यूरिंग टू ईयर्स, वो हील होगा, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगे, फिक्स होंगे माय डियर। पट्टी जब बांधा हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर वो हीलिंग है। थैंक यू, थैंक यू। फ्रीडम, दैट इज़ द क्वीन ऑफ वांड्स। मैं आपको बोल रही थी मतलब वो विंग्स आ गई है आपको, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, फ्रीडम एनर्जी। थैंक यू मस्पेट का एंड मजिशियन भी एक फ्रीडम लवर एनर्जी ही है माय डियर, वो अपनी शस्त्र को अपनी तरह से यूज़ करना चाहते हैं, लोग कंट्रोल करें ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। थैंक यू। एंड ये आपका वर्शन है, मतलब इस वर्शन में आप कन्वर्ट होने जा रहे। थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। न्यू लव, ये कार्ड साइड टू टाइम्स आया हुआ है आपकी। यस, यू विल फाइंड ए न्यू लव, एंड यहाँ पर अगेन न्यू लव एनर्जी, फ्रीडम एंड न्यू लव। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर, बहुत सारे व्यूअर्स जो ऑलरेडी मैरिड कपल हैं, वो अपने रिलेशनशिप पर वर्क करेंगे, हील्ड होगा। कुछ व्यूअर्स फ्रीडम एनर्जी, वो अपनी टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करेंगे, कार में कुछ भी थे बिकॉज ऑफ टावर एनर्जी, कुछ ब्रेकअप मोमेंट वो तोड़ेंगे, रिलीज़ होगा न्यू लव एनर्जी, दिट इज़ एक्चुअली कम्प्लीट ब्रांड न्यू एनर्जी। थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक, थैंक यू, मेक ए चॉइस। एंड आपके पास ऑप्शंस होंगे, अनकंडीशनल लव टू टाइम्स आया हुआ, आपकी जो मेन मैसेजेस थी अनकंडीशनल लव एंड मेक ए चॉइस, इंट्यूटिवली चूज़ कीजिएगा यहाँ पर हर चीज़ के लिए। कुछ व्यूअर्स के लिए करियर वर्क फील्ड में, कुछ व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप में ऑप्शंस होंगे। थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं छोला वॉर्ड के लिए। थैंक यू, थैंक यू। कुछ व्यूअर्स के लिए सन एनर्जी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब मुझे दिखाई दे रही है, गवर्नमेंट जॉब पर्टिकुलरली। थैंक यू भगवान, थैंक यू ड्यूरिंग टू ईयर्स, थैंक यू। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी, ये वर्क चलेंगे माय डियर, इस पर वर्क चलेंगे। थैंक यू। वन मोर कार्ड स्प्रेड गाइड, थैंक यू। एंड लाइफ पर्पस, ये सफर है माय डियर, हो सकता है अभी एनर्जी आपका काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, ये फेमिनिन, आप मेल भी हो सकते हैं माय डियर, मेल फीमेल जो भी है, एनर्जी अभी आपका बहुत डिस्टर्ब्ड है, बट सम हाउ एनर्जी धीरे धीरे आपकी बैलेंस हो रही है। लाइफ पर्पस, वो लाइफ मिशन, अर्थ मिशन के उस ट्रैक पे आना। एंड यहाँ पर एक यूनियन भी दिखाई दे रही है, लाइफ पर्पस आपको, जैसे अभी हो सकता है ये रीडिंग आपको समझ नहीं आ रही है, इस एनर्जी शैडो वर्क, मतलब आपके लिए मुझे ह्यूज शैडो वर्क दिखाई दे रही है। थैंक यू मस्पीड का है। चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस, कॉस्मिक वर्ल्ड से क्या मैसेजेस है आपके लिए। इंटर वन स्टेप फॉरवर्ड, वन स्टेप ऑनवर्ड, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेना, बट स्टैंड स्टिल खड़े मत रहिए। अगर दो कदम जाकर एक कदम अगर आप पीछे भी आ जाते हैं, सिचुएशन लेकर आते हैं एक दो कदम जाने के बाद, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली एक कदम आप आगे ही हैं। तो कोशिश कीजिए शुरू कर देने के लिए, मतलब अगर बैठे रहेंगे एनर्जी और भी डिस्टॉर्टेड होगा। शैडो वर्क अगर आप करना चाहते हैं, कोई सेशन थेरापी आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, क्रिस्टल के साथ आप काम करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को हील करना चाहते हैं तो कीजिए, कुछ बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी पैशन है आपको, डर है कि क्या होगा फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा सोचिए मत, छोटे छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स उठाने के लिए कहा जा रही है माय डियर। एंड देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बेबी बेबी स्टेप ही मुझे दिखाई दे रही है, छोटे छोटे पैर दिखाई दे रही है, जैसे वो चिन्ह दिखाई दे रही है छोटे छोटे पैर की। थैंक यू मस्पीड गाइड, थैंक यू। कट अवे व्हाट इज़ नो लॉन्गर नीडेड फॉर यू,
इससे स्पष्ट मैसेज आपके लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ मुझे क्रॉस रोड दिखाई दे रही है। क्रॉस रोड जब आपकी सामने होगा, यहाँ पर बहुत सारे एंजल स्पिरिट गाइड आपकी मदद करेंगे, बट समहाउ जो ज़रूरत नहीं है वो कट डाउन करना ज़रूरी है, बिकॉज फ्रीडम आ रही है आपकी लाइफ में। जब तक ये अननेसेसरी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, आप शैडो वर्क नहीं कर पाएंगे। वो कोई एडिक्शन हो, कोई नेगेटिविटी हो, कुछ भी है कटावे, अगर कोई रिलेशनशिप भी हो माइट जो ज़रूरत नहीं है, इवन आपकी शैडो वर्क ईगो इशू के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। मुझे थोड़ी वो भाव से भी आ रही है बिकॉज ऑफ टावर एनर्जी, ईगो एंगर इशू के ऊपर भी शायद काम करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर वन, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप टू, वेलकम। ड्यूरिंग टू ईयर्स ये सफ़र कैसा होगा, ये जर्नी कैसा होगा, क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे? ओके, अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आपने ग्रीन एवेंचुरन चूज़ किया है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। जब मैं रीडिंग को शुरू कर रही थी ना, मैं बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ, जैसे बहुत टायर्ड एग्जॉस्टेड हूँ, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मैं फील कर रही हूँ। तो हो सकता है ग्रुप नंबर टू के व्यूअर्स किसी लंबी एक साइकिल में हैं एंड बहुत एग्जॉस्टेड है। आप जब रीडिंग को देख रही हो उस टाइम फ्रेम में काफ़ी एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है, हीलिंग चल रही है आपकी, बिकॉज ग्रीन एवेंचुरन हीलिंग की एनर्जी आ रही है। थैंक यू मस्ट, एक लंबी साइकिल में जैसे आप है। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, चलिए देखते हैं मेन मैसेजेस। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कौन से एंजल आपकी मदद करेंगे ड्यूरिंग टू ईयर्स? एंड यहाँ पर मून साइकिल एक कार्ड में आया हुआ है, मून साइकिल, साइकिक एबिलिटी, आर्कएंजल हैनियल, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप की एनर्जी है। देखिए माय डियर, यहाँ पर आपने ग्रीन एवेंचुरन चूज तो किया है, बट ड्यूरिंग टू ईयर्स आप एमेथिस्ट, एमेजनाइट, सेलेनाइट, इन तीनों क्रिस्टल के साथ काम करते हुए मुझे दिखाई दे रही है माय डियर। मुझे तीनों क्रिस्टल की ही शब्द सुनाई दे रही है। एंड मून साइकिल के साथ काम करना, न्यू मून से लेकर फुल मून की जो एक साइकिल होती है, उस साइकिल के साथ आप काम कीजिए ग्रुप नंबर टू। आप करेंगे भी, मुझे वो दिखाई भी दे रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्र, आपका सिक्स चक्र, आपका क्राउन चक्र, थ्रॉट चक्र, ये तीनों चक्र काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है और इस पर वर्क करेंगे। इस डेक में ये नंबर वन कार्ड है, आर्कएंजल हैनियल नंबर वन कार्ड है। तो मुझे आपकी ऑरा में जैसे यू नो एक हेयर डाई किया है, जैसे पावर को रिक्लेम करना, अपने आप को तैयार करना नेक्स्ट फेज के लिए, बिकॉज अभी आप साइकिल में हैं, अभी एक साइकिल में आप हैं माय डियर। एंड यहाँ पर मुझे मून फेजेस ही दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रिसेंट हो, वो गिबस हो, वो फुल मून, न्यू मून, डिफरेंट फेजेस दिखाई दे रही है। थैंक यू, लाइफ में अभी बहुत परिवर्तन आपकी चल रही है माय डियर। एक लंबी साइकिल है, मतलब परिवर्तन तो हो रही है, बट एक बहुत बड़ी साइकिल कंप्लीट होने की उस डोर पर है, बट अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं सफ़र टू इयर्स की ग्रुप नंबर टू। फ्रेंडशिप नज़र आ रही है माय डियर, कुछ न्यू एनर्जी आपके सोल ट्राइब से कुछ या फिर कोई फ्रेंड इंपॉर्टेंट होंगे, कोई फ्रेंड इंपॉर्टेंट होंगे या फिर न्यू एनर्जी सोल ट्राइब से कुछ सोल मेम्बर आएंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे। यू नो आप अगर सोशल मीडिया में हैं, जैसे सोल ट्राइब से बहुत सारे, देखिए आज आप मेरी चैनल पे हैं तो कुछ ना कुछ कनेक्शन आपके साथ हैं, राइट? आप अगर क्योंकि आप बहुत सारे चैनल को देखते हैं तो उन सभी टावर का रीडर की एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, आप देखते हो मेरी रीडिंग, तो कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी के साथ मेरी एनर्जी कुछ है, कुछ कनेक्शन है, दैट्स व्हाई यू आर हियर। तो ऐसे ही कुछ सोल मेंबर आपकी ऑरा में आएंगे। थैंक यू मस्पेट का, चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर टू सफ़र ड्यूरिंग टू इयर्स के सफ़र। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उससे मतलब नेक्स्ट टू इयर्स, ओके, वो सफ़र को मैं देख रही हूँ। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी रीडिंग को देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। फर्स्ट कार्ड है मेडिटेशन। आप ग्रुप वन के साथ भी थोड़े अट्रैक्टेड थे माय डियर, मतलब उस चार्म के साथ, उस क्रिस्टल के साथ, मेडिटेशन की एनर्जी और साइकिक एबिलिटी आपका स्ट्रांग हो रही है। ये ऑरा जो है ना, ये बहुत स्पिरिचुअल एक ऑरा है। मेडिटेशन की डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन, वो आपका योगा हो, वो मंत्र मेडिटेशन हो, विपश्यना हो, कुछ ना कुछ आप एक्सप्लोर कर रही हो अपने आप को लेकर, एंड इन सारी चीज़ों में लीन होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। क्रिस्टल के साथ काम करना, क्राउन चक्र का एनर्जी है, आपको डाउनलोड्स मैसेजेस बहुत आएंगे। थैंक यू मस्पेट गाइड,
यस नंबर सिक्स बैलेंस एनर्जी डेफिनेटली आपका बेस एंड क्राउन चक्र मतलब नीच से लेकर शुरू तक बैलेंस हो रही है माय डियर। किस तरह से आपकी खुद की इन एंड यंग सिर्फ डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी नहीं होती, आपकी खुद की इन एंड यंग एनर्जी बैलेंस हो रही है माय डियर। जीवन में आपके परिवार में वो अगर कुछ भी कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन थी बेस बिकॉज ये बेस चक्र है, बेस प्लेटफॉर्म बनना लिटरली किसी के लिए घर बनना, घर खरीदने की वो भूमि बनाकर वो घर बनाना हो क्योंकि भूमि का एनर्जी आ रही है, भूमि मंगल का एनर्जी आ रही है, मंगल भूमि का कारक है। मुझे भूमि बनाकर कुछ घर बनाना हो, प्लॉट खरीद कर कुछ व्यूअर्स के लिए अपने लिए कुछ खरीदने की भी एनर्जी आ रही है, अपने नाम पर वो रजिस्ट्रेशन हो, मुझे थोड़ी वो वाइब्स भी आ रही है। संपत्ति कुछ प्रॉपर्टी बाय करना, सेल करना नहीं बाय करने की एनर्जी है। इवन आपके जीवन में कोई न्यू मेंबर भी आ सकते हैं क्योंकि मुझे हर तरफ से बेस प्लेटफॉर्म बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज अ बैलेंस एनर्जी विजुअलाइजेशन नंबर 28 एनर्जी है। विजुअलाइज करना एक मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक भी है। विजुअलाइज करना जो नहीं है वो होता हुआ मैं अपनी कल्पना में मैं देख रही हूँ, मैं विजुअलाइज कर रही हूँ अपने विजन पे, मुझे वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक आँखें दिखाई दे रही ना, तो आपकी साइकिक एबिलिटी यहाँ पर मेन थीम पे आया हुआ है। एंड आपके लिए ग्रुप नंबर टू मेन थीम की बात करूँ तो आपका साइकिक एबिलिटी थर्ड आई चक्र बहुत स्ट्रांग होगा, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए त्रिकालग योग हो सकता है, मतलब थोड़ी पूर्वाभास होना, इस एनर्जी में आप कन्वर्ट हो सकते हो बिकॉज आपकी मेडिटेशन चल रही है, आपकी शैडो वर्क चल रही है एंड स्ट्रांगली वो काम कर रही है आपके लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड ये एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मैसेज को चैनलाइज करना, विजुअलाइज करने का मतलब क्या है, आप देख पा रही हो। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। सपने उनको आते हैं, क्यों सपने, कभी कभी आप कोई कीचड़ में भी अगर जन्म लिया है तो उन्हें सपने आ रहे कि मैं बहुत बड़े एक महल में हूँ, बट एक बार आप सोचिए सपने दूसरे पर्सन को नहीं आ रही, आपको क्यों आ रही। तो स्पिरिट गाइड कह रही है कि तुम कर सकते हो, वो मैसेज दे रही, जो सपने तुम्हें दिखाई दे रही है वो पोटेंशियल तुम में है, चेस करो ड्रीम को, ड्रीम में जीने की जरूरत नहीं, ड्रीम को चेस करो। वन मोर मैसेजेस लाइफ पर्पस टू, क्या बात है माय डियर, क्या बात है। से दिस, मैं आपको बोल रही थी आपकी लाइफ पर्पस ड्रीम को चेस करेंगे। यहाँ पर विजुअलाइज से मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही कि ड्रीम में जिएंगे या फिर चेस करेंगे, नो डाउट आप चेस करेंगे माय डियर। लाइफ पर्पस को उस ट्रैक पे जाना, अभी हो सकता है अभी स्टेयर्स पे हैं, अभी स्टेयर्स केस पे है, आपको हो सकता है फ्यूचर को इतना क्लियर नहीं है क्योंकि जब लाइफ पर्पस की जो रोशनी होती है नॉर्थ स्टार होती है वो चमक रही है माय डियर, उसकी तरफ आप अभी शायद आप देख नहीं पा रही हो, बट लाइफ पर्पस के उस ट्रैक में आप आएंगे। ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रही, कुछ व्यूअर्स तो स्पिरिचुअल अवेकन होंगे माय डियर, स्पिरिचुअल अवेकन की स्टेजेस पे आप हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक लिसनिंग, किलर ऑफ वॉन्ड्स एंड पर्टिकुलरली नंबर 24 सिक्स नंबर आया हुआ है एंड टू टाइम्स नंबर सिक्स है। एंड कार्ड को गौर से देखिए, 32 मेडिटेशन है एंड 23 ट्रूथ कार्ड है, नंबर रिफ्लेक्टेड हुआ है। ये एक्चुअली जस्टिस एनर्जी है, जितना टू इयर्स में आप करेंगे आफ्टर टू इयर्स मतलब उस ड्यूरिंग टू इयर्स जो भी कर्मा होगा वो आपको भुगतान होगा, सब कुछ रिवॉर्डेड आपको, आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा। बट मुझे लग रही है आप छूट के साथ काम मत कीजिए माय डियर, ट्रूथ एनर्जी सैटर्न का एनर्जी छोड़ेंगे नहीं वो आपको। कुछ व्यूअर्स की अगर 7:30 की आखिरी ढाइया चल रही है तो वो जाते जाते कुछ दे कर जाएंगे। थैंक यू माई स्पिरिट गाइड, बट स्पिरिट गाइड आपको मतलब कुछ लिसनिंग की एनर्जी आ रही है, आपको कुछ सुनाई दे सकती है, वो पंछी की आवाज़ में भी आपको कुछ मैसेज मिलेगा माय डियर, मुझे वो वाइब्स आ रही है। लिसनिंग की एनर्जी, आपकी जो कान है ना आपको मतलब आई डोंट नो आप कितना समझ पा रही है मेरी बात को, व्हिस्पर्स करना जैसे स्पिरिट गाइड भी कान पे हवाओं में भी जो कहते ना कि बातें कहकर चले गए हवाओं की झोंके से जैसे, तो मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ माय डियर, मतलब आपकी आप कुछ सुनेंगे। एंड कोशिश कीजिएगा कि जितना ज़्यादा आपकी भूमिका स्पीकर का हो उससे कहीं ज़्यादा लिसनर का होना चाहिए, तब जाकर ये लाइफ पर्पस के ट्रैक पे आप आएंगे माय डियर। क्योंकि कुछ पर्सन कुछ कहना चाहते हैं, फ्रेंडशिप न्यू एनर्जी आ रही है वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं, लिसन कीजिए माय डियर। थैंक यू। पर्टिकुलरली थ्रॉट चक्रा, आपके क्राउन चक्रा एंड आपकी इंट्यूशन चक्रा, उस पर वॉक चलेंगे, चलिए देखते हैं। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। क्या मैसेजेस है आपके लिए, थैंक यू। कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, थैंक यू। ग्रुप नंबर टू
थैंक यू. योर स्पिरिट बेबी इज वॉचिंग वेटिंग फॉर बर्थ इन टू योर फैमिली. ओ माई गॉड, कितना स्वीट मैसेज है. योर स्पिरिट बेबी इज वॉचिंग वेटिंग फॉर बर्थ इन टू योर फैमिली. ओके, कोई बच्चे जैसे वेट कर रहे हैं आपके गर्भ में आने के लिए, या फिर आप अगर मेल भी हैं तो जैसे आपकी सूत्र बनकर, मतलब आपकी थ्रू से वो जन्म लेना चाहते हैं. एक बच्चे की एनर्जी आ रही है, जैसे वो पुकार रहा है माय डियर. आई डोंट नो, मतलब कुछ व्यूअर्स के लिए एक न्यू बर्थ भी हो सकती है, उनकी एक बेस्ट वर्जन एक्सप्लोर करना लाइफ पर्पस भी हो सकते हैं. बट डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फर्टिलिटी का एनर्जी. अगर अभी सिंगल भी है माय डियर, ये आपकी फ्यूचर चाइल्ड का मैसेज है. थैंक यू. एंड अब जो बच्चे जन्म ले रही है, स्प्रिट बेबी, वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल. यू नीड टू एक्सरसाइज एंड कीप योर वेट इन चेक. ओके, तो यहाँ पर वेट को बैलेंस कीजिए माय डियर. यहाँ पर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है. वैसे मेडिटेशन आपकी तो चल रही है, बट मेडिटेशन सिर्फ करने से यहाँ पर काम नहीं होगा, थोड़ी बॉडी को मूव करने की भी ज़रूरत है. यू शुड स्टार्ट ए बिजनेस. क्या बात है, कुछ व्यूअर्स के लिए बिजनेस की एनर्जी आ रही है. ओके, थैंक यू, थैंक यू. यू विल बी ओके, यू विल बी गोइंग ऑन ए डेट. ओ, एक डेट पे जाने की एनर्जी है. ओके, तो सिंगल के लिए बहुत अच्छी मैसेज है माय डियर. थैंक यू. डेट की एनर्जी, एंड मैं बोल रही थी फ्रेंडशिप की एनर्जी, न्यू एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है. थैंक यू. एंड यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली अपना डिवाइन काउंटर पार्ट भी है, इन एंड यंग एनर्जी मौजूद है. वन मोर मैसेज स्प्रेड कार्ड. ओके, यू नीड टू गेट एम्प्लॉयड. ओके, तो यू नीड टू गेट एम्प्लॉयड. तो यहाँ पर नौकरी दिखाई दे रही है माय डियर. वैसे ज़रूरत भी है, स्प्रिट गाइड के लिए इसकी ज़रूरत भी है माय डियर. थैंक यू, थैंक यू माय स्प्रिट गाइड. एंड बॉटम ऑफ द डेक, थैंक यू. यू विल फाइंड न्यू जॉब. ओ, यू विल फाइंड न्यू जॉब एंड यू नीड टू गेट एम्प्लॉयड. आपको ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है, आपको जॉब की ज़रूरत है, बट स्प्रिट गाइड के लिए यू विल फाइंड ए न्यू जॉब. थैंक यू माय स्प्रिट गाइड. अगर आपको इसको लेकर मन में कोई क्वेश्चन थी, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए आंसर है येस. थैंक यू, थैंक यू माई स्पिरिट गाइड. थैंक यू. चलिए देखते हैं रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेजेस हैं. थैंक यू ग्रुप नंबर टू. थैंक यू, थैंक यू माई स्पिरिट गाइड. थैंक यू, थैंक यू. दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग माई डियर. डिवाइन टाइमिंग मतलब यहाँ पर एनर्जी भी मौजूद है, मतलब थोड़ी, मैं आपको नहीं कह रही कि आपको और वेट करना है, बट परफेक्ट टाइमिंग जब कार्ड में आते हैं, डिवाइन टाइमिंग, सेक्रेट टाइमिंग, तो कहीं ना कहीं स्पीड गाइड करिए, समय से पहले होगा नहीं. तैयार रहो, अपने आप को तैयार करो, समय से पहले होगा नहीं एंड किस्मत से ज़्यादा मिलेगा नहीं. तो समय यहाँ पर थोड़ी रुका हुआ है माय डियर. वैसे आपकी तैयारी तो चल रही है. थैंक यू माय स्पीड गाइड. थैंक यू. अबंडमेंट, तो थोड़ी रुकी सुखी एनर्जी है माय डियर. एंड लंबी टाइम से इंतज़ार करने की वजह से हो सकता है आपकी वो एनर्जी बन चुकी है, ड्राई हो चुकी है एनर्जी. उम्मीद बहुत कम दिखाई दे रही है. आपको शैडो वर्क करने की ज़रूरत है माय डियर. थैंक यू. मेडिटेशन, टू टाइम्स मेडिटेशन कार्ड है माय डियर, ये ज़रूर कीजिए. एंड मेडिटेशन सिर्फ शैडो वर्क के लिए नहीं है, जीवन के लिए. ये एक रेमेडी नहीं है, ये अभ्यास होना चाहिए. मैं हमेशा कहती हूँ पर्सनल रीडिंग पर, रेमेडी नहीं है, अभ्यास होना चाहिए. यू विल गेट थ्रू दिस. तो डेफिनेटली यहाँ पर यूनियन है माय डियर. यहाँ पर यूनियन तो है रिलेशनशिप में, वो हीलिंग यूनियन. थैंक यू माई स्पिरिट गाइड. एंड बॉटम ऑफ द डेक, लुक बियॉन्ड इल्यूशन एंड न्यू डोर ओपनिंग. यहाँ पर न्यू एनर्जी भी आपके लिए दिखाई दे रही है माय डियर. एंड अभी आपको हो सकता है, क्योंकि लुक बियॉन्ड इल्यूशन कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज अबंडमेंट, कुछ टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में रिलीज होगा. एंड कुछ के लिए डेफिनेटली न्यू डोर ओपन हो रही है, न्यू डोर ओपनिंग, न्यू एनर्जी बहुत आ रही है आपकी रीडिंग में माय डियर. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू. बट अभी एनर्जी साइकिल पे है आप. थैंक यू. अबंडमेंट, अभी रुखी सुखी एनर्जी है. थैंक यू. टैरो से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू ग्रुप नंबर टू. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू. अभी सिचुएशन आपकी बहुत सस्पेंडेड मोमेंट मुझे दिखाई दे रही है माय डियर. एस ऑफ कप्स, थैंक यू. फोर ऑफ कप्स, चिंता मत कीजिए माय डियर, बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए एनर्जी को लेकर. अभी सिचुएशन हैंग्ड है, अभी सिचुएशन आपकी बहुत स्टक है. आप जैसे मैदान पे टिके तो है, बट गड्डी आगे नहीं बढ़ पा रही है. कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि आप क्रॉस रोड पे है माय डियर. टू ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, जगलिंग कर रही हो दो
करियर की ऑप्शंस को लेकर हो सकता है, सिचुएशन को लेकर एक जगलिंग करने की एनर्जी, या फिर प्रोफेशनल फील अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर जगलिंग चल रही है, बट गड्डी आपकी रुकी हुई है। एंड बहुत न्यू की मैं बात बोल रही थी ना, से दिस इज एस ऑफ कप्स, एक नई एनर्जी, वो बिजनेस हो सकता है, नया जॉब हो सकता है आपके लिए, नए प्यार हो सकता है, रिलेशनशिप में एक नया शुरुआत हो सकती है, क्योंकि थोड़ी वर्क तो नज़र आ रही है रिलेशनशिप हीलिंग। एंड ये वो एनर्जी है, ये वही एस ऑफ कप्स है जो आपको दिया जा रहा है माय डियर। तो इस क्लोज डोर की तरफ मत देखिए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए, बिकॉज लवर्स भी एक क्रॉस रोड की बात करिए, डेटिंग ऐप्स हो, वो मैट्रिमोनियल साइट हो, आपके फ्रेंड्स हो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गए ड्यूरिंग 2 ईयर्स। एंड जो आ रही है माय डियर आपकी लाइफ में, दिस इज़ योर सोलमेट, कुछ व्यूअर्स के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। थैंक यू मस्पेट का है, थैंक यू। चले देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू ग्रुप नंबर 2, ड्यूरिंग 2 ईयर्स, थैंक यू। थैंक यू मस्पेट का है, थैंक यू। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, इतना सारा मेडिटेशन जब चल रही है, स्पिरिचुअल एक्विन तब होंगे हैं ना, यहाँ पर बोथ पार्टनर मतलब दोनों ही करेंगे माय डियर, सफर है, यूनियन भी मिलना एक कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर यूनियन होगा माय डियर, क्योंकि लवर्स हैं, यहाँ पर यूनियन होगा कुछ व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। हो सकता है कोई एक पर्सन एक्विन नहीं थे, वो एक्विन होगा माय डियर। थैंक यू, थैंक यू। वन मोर मैसेजेस, थैंक यू। वाह, दिस इज़ डिवाइन मैस्कुलिन, लियो एनर्जी हियर। तो डेफिनेटली कुछ यहाँ पर लवर्स कार्ड भी है, तो हो सकता है यहाँ पर यूनियन हो आपके डिवाइन मैस्कुलिन, अभी आप नहीं जानते हैं ये पर्सन जो भी है, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, अगर आप मेल हैं तो यहाँ पर संभावना है यूनियन के कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज दोनों तरफ से वो अवकेन हो रही है, रिलेशनशिप हीलिंग भी दिखाई दे रही है। मैस्कुलिन को समझ आ रही, फेमिनिन एनर्जी की वो इमोशंस को समझना, मैस्कुलिन शायद पहले बहुत डिस्टॉर्टेड था, उस जगह पर भी वो हीलिंग हो रही माय डियर। चलिए मैं कॉस्मिक वर्ल्ड से देखूंगी क्या मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू। स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी है, यहाँ पर लवर्स जेमिनी एनर्जी है, एस ऑफ कप्स वाटर एंड यर एनर्जी ज़्यादा है, एंड लियो साइन है यहाँ पर। थैंक यू मस्पेट गाइड। कॉस्मिक वर्ल्ड से देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए, 3 मैसेजेस हैं। कितने इन एंड यंग के मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर। आउट ऑफ द मेस कम्स एलिगेंट ऑर्डर, जैसे चीज़ें बिखरी हुई हैं, जीवन अलाइन नहीं है, पूरे मेस है माय डियर, मतलब आपकी जीवन 24 आवर्स की रूटीन हो, मतलब सोते हैं आप 2 बजे के बाद, उठते हैं 10 बजे के बाद, तो ये एक ऐसी रूटीन, मतलब बिखरी हुई एनर्जी मुझे दिखाई दे रही माय डियर। एक अच्छा स्पिरिचुअल रूटीन होना चाहिए, बिकॉज 2 टाइम्स मेडिटेशन कार्ड है आपका, जगह मतलब चीज़ें जगह पर होना चाहिए, मुझे आपके लिए वो वाइब्स भी आ रही है। किसी एक एनर्जी, इवन आपका इन एंड यंग एनर्जी में कोई एक एनर्जी थोड़ी बैलेंस्ड नहीं है, दैट्स वाई इस पर वॉक चलेंगे। थैंक यू मस्पिरिट गाइड। यूनिवर्स, वाह, आपके लिए ये आर्केटाइप एनर्जी है, यूनिवर्स आया हुआ है, तो यहाँ पर तो आपका चक्रास काफ़ी बैलेंस होगा माय डियर। यूनिवर्स से काफ़ी मैसेजेस आपके आएंगे, से थैंक यू यूनिवर्स, डेली कहिए माय डियर थैंक यू यूनिवर्स। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके द्वारा कुछ वो करना चाहते हैं। थैंक यू। देखते हैं, द यूनिवर्स वॉन्ट्स टू को कॉन्स्पायर विद यू, मैं क्या बोल रही थी आपको, यूनिवर्स कुछ चाहते हैं कि आपके द्वारा कुछ करवाना चाहते हैं, तो आपको तैयार होना होगा। जब स्प्रिट गाइड कोई इंसान को चुनते हैं, ह्यूमन बींग्स को चुनते हैं, कोई लाइफ पर्पस, कोई बड़े उद्देश्य के लिए, तो पहले उसको तैयार किया जाता है। एक हीलर भी ऐसे ही नहीं बनते, कुछ ऊंस होते, तकलीफ होते हैं, तब जाकर वो सामने वाले के इमोशंस को समझ पाते, हील कर पाते हैं। तो कुछ तैयारी तो आपकी चल रही है, एंड यूनिवर्स से वो तैयार करी है, तो स्पिरिट गाइड भी आपको कह रही, थोड़ी स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्शन को और मजबूत कीजिए। यूनिवर्स कुछ चाहते हैं, आपके द्वारा कुछ करना चाहते हैं, उसमें यूनिवर्स को भी मदद कीजिए माय डियर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं ड्यूरिंग 2 ईयर्स आपकी जर्नी, सफ़र कैसा होगा, चेंजेस क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं, ठीक है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ग्रुप नंबर 3, आपने लैपिस लाजुली चूज़ किया है, ये थ्रॉट चक्र से जुड़ी है माय डियर। थैंक यू मस्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं, थैंक यू। कौन सी एंजल आपकी मदद करेंगे ड्यूरिंग 2 ईयर्स, ओके, मेन थीम क्या होगा ड्यूरिंग 2 ईयर्स। थैंक यू सो मच। आर्कएंजल गैब्रियल, कम्युनिकेशन, नॉर्थ स्टार का एनर्जी है, सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी,
हो सकता है कि अभी जब आप रीडिंग को देख रहे हैं माय डियर, आप अपने आप को एक्सप्रेस करने में, आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में, बोलने में, कुछ व्यूअर्स मैं जानती हूँ, पर्टिकुलरली स्टूडेंट, सब जानते हैं, बहुत पढ़ाई कर चुके, इंटरव्यू रूम पे जाकर सामने वाले को देखते ही बस हो गया थ्रॉट चक्र ब्लॉक डर के मारे। तो यहाँ पर उस पर वर्क करेंगे, थ्रॉट चक्र के ऊपर काम करेंगे। दूसरी है नॉर्थ स्टार आया हुआ है, ये एक्चुअली आपने जो चूज़ किया है लैपिस लाजुली, ये एक्चुअली गैब्रियल की एनर्जी है, मरकरी की ही एनर्जी है, थ्रॉट चक्र का एनर्जी है। यहाँ पर पर्टिकुलरली आपका थ्रॉट चक्र के ऊपर वर्क होगा। आप अपने बेस्ट वर्शन को निकल कर लेकर आएंगे। ग्रुप नंबर वन जो टू है वो अपनी पर्पस के ट्रैक पे है या फिर आने जा रहा है, बट आप ट्रैक पे हैं। एंड आपका सैक्रल चक्र के ऊपर भी काम होगा, बिकॉज मुझे थोड़ी क्रिएटिविटी की एनर्जी आ रही है। तो कुछ ना कुछ आप अपने पैशन, अपनी हॉबीज़, उस पर भी काम करेंगे। आप अपने लिए असर्टिव होंगे, आप अपने जो अपने लिए स्टैंड लेना, मुझे उसकी वाइब्स आ रही है। माइटर ड्यूरिंग टू ईयर्स हो सकते हैं कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काफ़ी पॉपुलर हो जाएं। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में है, कोई बिजनेस वगैरह आप करते हैं, इवन आपका कोई इवन ऐसे नॉर्मल कोई अकाउंट वगैरह है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे। नॉर्थ स्टार की एनर्जी आ रही है, तो कुछ सोल ट्राइब से कुछ लोग आएंगे। थैंक यू मस्पेट कायत, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं सफ़र कैसा होगा। थैंक यू। आप लाइफ पर्पस के ट्रैक पे हैं, नॉर्थ स्टार की एनर्जी आ रही है, कोई गाइड कर रही है आपको माइट, और आपको गाइडेंस मिल रही है। थैंक यू। आपको गाइडेंस मिल तो रहा है, बट कुछ व्यूअर्स यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू। या फिर अपने पर्पस को सामने रखने के लिए वो हिम्मत नहीं मिल रही है। थोड़ी आपकी मंगल हो सकते शनिदेव की नक्षत्र में है, और मून राहु और शनि के नक्षत्र में जब होते हैं ना, ऐसे लोगों को घबराहट बहुत होती है, मुझे थोड़ी उसकी वाइब्स आ रही है। थैंक यू। दिस इज अबंडेंस, एक कार्ड जंप होकर आपके लिए आया हुआ है माय डियर। गणेशा का एनर्जी है अबंडेंस। थैंक यू। सफर, थैंक यू। ग्रुप नंबर थ्री, थैंक यू लॉर्ड गणेशा, थैंक यू। वाओ, आपके लिए रिलेशनशिप, मुझे ये टू ऑफ कप्स की जैसी एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे मीटिंग, डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मीटिंग, यूनियन, मैरिज, रिलेशनशिप हीलिंग। कुछ प्रॉब्लम भी चल रही थी पति पत्नी के बीच, तो रिलेशनशिप हीलिंग माय डियर। दोनों ही इक्वल एनर्जी, मतलब हार्ट शेप में ही है, जैसे अलग थे जैसे एक हो रही है, यूनियन हो रही है, बेस प्लेटफॉर्म बन रही है माय डियर। थैंक यू मस्पेट गाइड। इनर स्ट्रेंथ, जैसे बिखरी हुई है आप अभी पूरी तरह से, जैसे यू नो क्रैक मुझे वो नज़र आ रही है आपके हार्ट चक्र में, आप जैसे बिखरी हुई हो माय डियर। वो कॉन्फिडेंस की मैं आपको पहले बोल रही थी ना, घबराहट होना, बट आप पावर को रिक्लेम कर रहे हो माय डियर, इनर स्ट्रेंथ। बट अभी एनर्जी तो आपका ड्राई, बिखरा हुआ, कोल्ड, डिटैच, ड्राई एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बट आप पावर को रिक्लेम कर रही हो। एंड आपके भीतर ही एनर्जी है माय डियर, आपके भीतर ही वो एनर्जी है। एंड क्योंकि वो मुझे सीने में वो बिजली दिखाई दे रही है, वो पावर दिखाई दे रही है, तो बस क्लेम करने की देर है, बस वर्क करने की ज़रूरत है, वो चलेंगे माय डियर। थैंक यू मस्पेट गाइड। फैमिली नंबर फाइव, तो कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप है, फैमिली है, फैमिली एक्सटेंड होना, फर्टिलिटी, न्यू मेंबर आना और मैरिज होना, और रिलेशनशिप की भी हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। स्ट्रांगली रिलेशनशिप हीलिंग है आपके लिए। पहले हो सकते थे कि इतना बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि आपका मेन जो एनर्जी है गैब्रियल का एनर्जी है, मेन थीम है कम्युनिकेशन, थ्रॉट चक्रा। पहले आप सुनते ही रहते थे, आप अपने लिए कुछ बोलते ही नहीं थे, वो डिमांड नहीं थी, कुछ कंप्लेन नहीं थी, बट आप अपने लिए स्टैंड ले रही हो, सामने वाला भी समझ रहे कि आप बोल सकते हो माय डियर, आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप बोलेंगे भी। एंड उसी से ही रिलेशनशिप हीलिंग होगा, बिकॉज सेल्फ पेस ज़रूरत है रिलेशनशिप में। आप मांग रही हो सेल्फ पेस, मुझे वो भी वाइब्स आ रही है माय डियर, कि आप जैसे रिलेशनशिप में भी अगर है ना, तो आप सेल्फ पेस मांग रही हो और क्लेम कर रही हो। वाओ, क्या बात है, मैं आपको बोल रही थी ना कि आप में ही, आपके भीतर ही है, आपके भीतर ही वो है, बस मुट्ठी बनाने की ज़रूरत है। 16 परीक्षा चक्र, बस मुट्ठी बनाने की ज़रूरत है, सब कुछ आपके भीतर है। एंड आप तो मतलब शत्रु भी भारी पड़ेंगे आपके ऊपर,
थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, आप छोड़ने वाले नहीं हो, शत्रु भी भारी पड़ेंगे माय डियर आपके ऊपर। दिस इज़ विजुअलाइजेशन, तो अभी से कोशिश कीजिए विजुअलाइज करें। विजुअलाइज में एक पूर्वाभास होती है, जो लोग पूर्वाभास कर सकते हैं, त्रिका लगे योग हो, जो पूर्वाभास कर सकते हैं वो विजुअलाइजेशन में एक टेक्निक है विजुअलाइज करना, वो मैनिफेस्टेशन की एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। विजन बोर्ड बनाना, विजुअलाइज करना, जो आज नहीं है वो हो सकता है उसको, जैसे मैं क्लेम कर रही हूँ, जैसे ऑलरेडी मेरे पास वो है, डेफिनेटली वो होगा माय डियर। एंड आपकी वो एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, बस इस भीतर झांकने की ज़रूरत है माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चले देखते हैं एंजल्स, थैंक यू, कुछ स्ट्रेट मैसेजेस, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। समवन इज नॉस्टैल्जिक अबाउट यू, हो सकता है आपकी ओल्ड फ्रेंड आपके कांटेक्ट में आए माय डियर, ओल्ड चाइल्डहुड फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, कलीग हो, समवन इज नॉस्टैल्जिक अबाउट, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फ्रेंड ही हो, कोई रिलेटिव भी हो सकती है, माता पिता हो सकती है, आप दूर रहते हैं उनसे, थोड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग नज़र आ रही माय डियर, बट कोई याद करेंगे। ये मुझे स्ट्रांगली मेजोरिटी के लिए रिलेशनशिप की ही एनर्जी आ रही है। थैंक यू, आप मिल चुके इस पर्सन से, ऐसे कोई पर्सन, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। द डिसीज्ड फैमिली मेम्बर और फ्रेंड हैज़ अ मैसेज फॉर यू, आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड जो एक्सपायर कर चुके, कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो, ओके, नॉस्टैल्जिक अबाउट यू, ओके ओके, तो कोई ऐसी पर्सन आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। जब आप तकलीफ में होते कोई ना कोई आपकी मदद करते, शायद आप अटेंशन नहीं देते हैं माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड जो एक्सपायर कर चुके हैं उनका ब्लेसिंग्स हैं, एंड वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब आ रही ग्रुप नंबर 3, वो आपसे कनेक्ट, एंड दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही थी गैब्रियल कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, आपका मेन थीम ही है कम्युनिकेशन। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। यू विल बी अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से 2 ईयर्स जाएंगे माय डियर। One more messages, spread guide. One more messages. Thank you. You need to use law of attraction to manifest. मैं क्या बोल रही थी आपको, बस manifest कीजिए, आप में वो power है 5D को 3D reality में लेकर आना। स्पिरिट गाइड भी आपको कह रही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल कीजिए अपने लाइफ में डेली बेसिस में माय डियर। वो 369 टेक्निक हो, वो 555 टेक्निक हो, वो वाटर टेक्निक हो, जो भी आप डेली मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो जो आप जानते हैं माय डियर। You should listen to other people's advice. तो ज़रूरत है, अगर कोई भी मदद कर रही है, कोई आपको एडवाइस दे रही है, तो शायद लिसन करने की ज़रूरत है माय डियर। एंड यू नीड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर जैसे चाइल्ड की एनर्जी आ रही है, चाइल्ड को मदद कीजिए, मैं नहीं कह रही कि आप अडॉप्ट कीजिए, कुछ मदद कीजिए, कुछ जो नेग्लेक्टेड है माय डियर सोसाइटी में, ऐसे बच्चों की मदद कीजिए जितना आपके सामर्थ्य में हो। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ, जो भी होगा माई डियर आप बिल्कुल ऑन द ट्रैक होंगे। यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाई योर स्पिरिचुअल टीम इन स्पिरिचुअल रियल, बस चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप गाइडेड हैं माई डियर। एंड एंसेस्टर स्पिरिट गाइड मोर देन 2 एनर्जी, एंड पर्टिकुलरली आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड भी है, आपके एंजल भी है माई डियर, आपकी ऑरा प्रोटेक्टेड है। थैंक यू, आप बिल्कुल ऑन द ट्रैक है, मैं आपको शुरू से आपको बोल रही हूँ कि आप ऑन द ट्रैक हैं, ग्रुप 1-2 आ रही है या फिर वॉक चल रही है, बट आप ऑन द ट्रैक हैं। लॉयल्टी, मुझे फ्रेंडशिप की एनर्जी आ रही है, चाइल्डहुड फ्रेंड, यहाँ पर एक ओल्ड फ्रेंड की एनर्जी आ रही है, ट्रस्ट वर्ड दी पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है, या फिर रिलेशनशिप में कुछ भी ट्रस्ट इशू चल रही थी वो रिजॉल्व हो रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, सून, वेरी सून, सून कार्ड है तो बहुत देर नहीं होगा, 2 साल भी नहीं लगेंगे माय डियर। थैंक यू, डिवाइन टाइमिंग, कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग को बहुत ज़्यादा देर मत समझिएगा, समय का एक परफेक्ट टाइम, डिवाइन टाइमिंग का मतलब है कि समय से आगे और किस्मत से ज़्यादा मिलता नहीं है, तो वो समय वो 1 महीने के भीतर भी हो सकता है, तो डिवाइन टाइमिंग का मतलब, ओ माय गॉड आप हो लग गई बस वाट, मतलब 2-3 साल के बाद की एनर्जी, बिल्कुल नहीं, डिवाइन टाइमिंग विद इन फ्यू वीक्स हो सकती है, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में हो सकता है,
तो डिवाइन टाइमिंग मतलब परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए उस चीज़ के लिए, बस आप इंतज़ार कीजिए एंड वर्क कीजिए. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू. पैशन, मैं आपको बोल रही थी लॉयल्टी एंड पैशन, यहाँ पर रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप दोनों के बीच. इंटीमेसी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, कोई पैशनेट लवर पैशनेटली आपकी लाइफ में आ रही है माय डियर. उनकी फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, थैंक यू, डीप है, इंटेंस है माय डियर, थैंक यू. यूनियन, ओके, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू. एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज़ बैलेंसिंग एनर्जी, इन एंड यंग एनर्जी. एंड यहाँ पर भी मैं रिलेशनशिप की एनर्जी देख रही थी माय डियर, तो इन एंड यंग आपकी खुद की इन एंड यंग एनर्जी बैलेंस हो रही है. एंड कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली ए डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू. एंड हो सकता है अभी आप कुछ टफ सिचुएशन के थ्रू से जा रहे हो माय डियर, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू एक्सप्रेस कीजिए. एंड कुछ व्यूअर्स के लिए अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वो नज़र आ रही है. आप पास्ट से हो सकते कुछ कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे थे, उस जगह पर भी एनर्जी आपका रिजॉल्व होगा, कुछ आप लेट गो तो करेंगे माय डियर, थैंक यू मस्ट वेट का. चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस, थैंक यू. टैरो से देखते हैं, थैंक यू. आई डोंट नो इस पायल के साथ डील करते थे, मुझे एक अचानक से वाइब्स आ, जैसे आपकी आसपास के कुछ लोग आपको बहुत परेशान करते थे कुछ टाइम पहले से, मतलब कुछ ईयर्स से हो, कोई पड़ोसी हो, कोई क्लोज रिलेटिव हो, कुछ परेशानी मतलब चल रहा है आपका, कुछ कार्मिक पार्टनर है आपका. पार्टनर को मतलब जब भी मैं पार्टनर बोलती हूँ ना, आप डायरेक्टली समझ जाते वो मेरी मतलब वो लव्ड वन है. नो, वो पड़ोसी भी आपका कार्मिक हो सकता है, आपका कोई क्लोज रिलेटिव भी आपका कार्मिक हो सकता है, कार्मिक सोलमेट कोई भी हो सकता है. ट्विन फ्लेम अलग चीज़ है, कार्मिक सोलमेट कोई भी हो सकता है. मुझे थोड़ी आपकी एनर्जी में कार्मिक पार्टनर के साथ डील करता हुआ नजर आ रहा है अभी करंट टाइम फ्रेम में, जैसे वो जैसे आप पर अभी हावी है, बट बहुत जल्दी आप उन पर हावी होंगे माय डियर. एंड बिकॉज डेफिनेटली अचानक से नहीं होगा, ये प्रोसेस चलेंगे. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू. दिस इज़ अगेन टेम्परेंस डिवाइन टाइमिंग की बात करते, विपरीत परिस्थिति में राजयोग का एक्टिव होना, विपरीत राजयोग, थैंक यू. एक नए सफ़र पे आप हैं माय डियर, द फूल एनर्जी. फूल का मतलब स्टार्ट में एक शुरू, एंड मैं आपको पहले बोल रही थी ना, आप सफ़र में हैं, कोई कार्मिक जर्नी को आप रिलीज़ करोगे, बिकॉज इसके नीचे डेविल कार्ड था. आप मतलब एक डोंट केयर एनर्जी जैसे, और फ़र्क नहीं पड़ेगा इस एनर्जी से, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू. यहाँ पर ट्रैवल भी दिखाई दे रही कुछ व्यूअर्स के लिए, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री आपका ट्रैवल हो सकता है, जर्नी हो सकता है. सिक्स ऑफ पेंटेकल्स एनर्जी, लाइफ बैलेंस थोड़ी इन एंड यंग, एंड सिक्स ऑफ पेंटेकल्स एनर्जी, एट ऑफ कप्स, नो डाउट यहाँ पर जर्नी है. कुछ व्यूअर्स के लिए घर परिवर्तन होना, रिलोकेशन होना, करियर जॉब की वजह से दूसरी जगह पर जाना, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू. टेन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लिटरली लग रही है माय डियर कि कार्मिक सिचुएशन के साथ, साइकिल के साथ आप डील कर रही थी, वो रिलीज होने जा रही है माय डियर. एट ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स, कन्फर्मेशन, वो खत्म होने जा रही है वो साइकिल ड्यूरिंग टू ईयर्स. यस, बिल्कुल, पूरी तरह से चैप्टर आप क्लोज कर देंगे माय डियर, कन्फर्मेशन है, चैप्टर आप क्लोज कर देंगे. एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड यही वो सद्भाग्य है माय डियर, गुरु. एंड दिस इज एक्चुअली 8-10 टावर कंप्लीट हुआ चैप्टर, द व्हील ऑफ फॉर्चून इज अ न्यू बिगिनिंग्स, एक नया चैप्टर. एंड द फूल एनर्जी, द आपका मास्टर कार्ड है फूल एनर्जी. वन मोर मैसेजेस एंड द जस्टिस कार्ड, 10 and 11 माय डियर, नो डाउट यहाँ पर मेजोरिटी मुझे नजर आ रही है. अगर आप अभी कोई प्रॉब्लम में नहीं, आपकी लाइफ काफ़ी सुकून से जा रही है, तो व्हाई यू आर हियर माय डियर, आप यहाँ क्यों हैं? ये पायल भी आपके लिए नहीं है, ये पायल भी आपके लिए नहीं है, ये डेफिनेटली अभी आपकी एक बड़ी साइकिल चल रही है. एंड इसको आप कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से ड्यूरिंग टू ईयर्स, एंड ये टाइम नहीं लगेंगे, बिकॉज टावर इज़ अ सडन एनर्जी चेंज होना, तो ये टाइम लगे नहीं लगेंगे बहुत ज़्यादा. एंड यहाँ पर टावर की एनर्जी को देखकर, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जस्टिस का दोनों ही एक गुरु है, दूसरे शनिदेव हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक मुट्ठी है, तो आप हावी होने वाले हो माय डियर. आप मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी बॉयफ्रेंड ने आपको आकर कह दिया कि मैं दूसरे पर्सन से शादी करना चाहती हूँ, प्यार करती हूँ, तो मैं ब्रेकअप चाहती हूँ, या फिर मैं रिलेशनशिप को आगे लेकर नहीं जाना चाहती हूँ, ऐसा कुछ कहते हैं ना. यहाँ पर स्टोरी अलग है, आप छोड़कर चले जाएंगे. मैं जस्ट फॉर एग्जांपल एक बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं वही स्टोरी हो,
जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप छोड़ रही हो इनको, या आप छोड़ रही हो क्योंकि आपको और बर्दाश्त नहीं हो रही है ये चीज़ें। कोई जॉब छोड़ेगा, कोई अपनी एक पसंदीदा जॉब करने के लिए, पैशन को फॉलो करने के लिए ये हो सकता है। बिकॉज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आपको समझ आ रही है लाइफ पर, बिकॉज मैं आपको पहले बोल रहा था आप ऑन द ट्रैक है, तो ये अननेसेसरी एनर्जी रिलीज होगा ही होगा। एंड दिस इज द एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून एंड इलेवन, लाइफ आपकी बैलेंस होने जा रही है, जस्टिस आपको मिलने जा रही है। एंड क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जब भी कार्ड में आती है दूसरे कार्ड पुल करना पड़ता है, ये नियम है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यस नो की बात करता है। बट आपके लिए यस है, इट्स अ बिग यस, क्योंकि जस्टिस यहाँ पर बैलेंस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए यस है माय डियर, वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड आपकी लाइफ असेंडिंग ऑर्डर में है। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस, थैंक यू, लव से देखते हैं। लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, पाइसेस, जेमिनी, थैंक यू। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर लीगल इशू अगर चल रही है तो यहाँ पर आपको जस्टिस मिलने जा रही है, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट से जुड़ी कुछ काम वगैरह अगर चल रही है। ग्रुप नंबर 3, डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, मैं आपको बोल रही थी ना यहाँ पर एनर्जी डिस्टर्ब्ड है, अगर नहीं है तो ये आपके पाए नहीं है। एन अबंडेंस, टू टाइम यू हैव अबंडेंस कार्ड माय डियर, टू टाइम यू हैव अबंडेंस। ये सिर्फ अबंडेंस रिलेशनशिप के नहीं है, ये अबंडेंस मटेरियली भी है माय डियर, थैंक यू। वन मोर मैसेजेस, ग्रेट काइट, वन मोर मैसेजेस, थैंक यू। अबंडेंस एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप प्रॉस्पेरस फील कर रहे हैं, आप अबंडेंट फील कर रहे हैं माय डियर, एटलीस्ट इस एनर्जी से बचकर। एंड क्रिएटिविटी, एक नई शुरुआत होना, मैं आपको पहले ही बोल रही थी माय डियर, एक नई शुरुआत, क्रिएटिविटी, दोनों पति पत्नी मिलकर कोई जगह पर जा रही है, कुछ रिलोकेशन भी मुझे नज़र है, बिकॉज पैरासूट लॉन्ग डिस्टेंस से कोई पर्सन आ रही है आपकी लाइफ, क्योंकि कुछ व्यूअर्स के लिए वो मैरिज हो सकती है माय डियर। दोनों मिलकर कुछ घर वगैरह खरीदेंगे, डेकोरेट करेंगे घर को, थैंक यू। मस्ट पेट का, थैंक यू। चलिए देखते हैं कॉस्मिक वर्ल्ड से क्या मैसेजेस हैं, थैंक यू। ओके, ब्लूम फॉर यू आर प्लांटेड, जहाँ पर मतलब आपको डाला गया है उस बीज में, सीड में अगर पोटेंशियल है तो कृष्ण कहते हैं कि वो भूमि चीर कर बाहर आएंगे अगर तकदीर में है। तो जहाँ पर भी आप हैं माय डियर, उस जगह से ही आप प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं, इतना याद रखिए, वो पोटेंशियल आप में है, स्पिरिट गाइड आपको कह रही है। एंड दिस इज़ द फिनिक्स राइजिंग, ओके, द फिनिक्स राइजेस इनटू जॉयफुल, ओ Oh my God, this is three times, okay? Three times you have abundance card. The phoenix rises into joyful abundance. Literally, मैंने दो कार्ड आपके सामने पिक की है माई डियर, एंड थ्री टाइम्स phoenix rising तो आपका चल रहा है, एंड यहाँ पर टावर एनर्जी भी है, एंड ये joyful abundance की ओर आपको लेकर जाएंगे। Thank you, my spirit guide. Thank you. चलिए देखते हैं the last message. Coming soon. Welcome to the next ascending age. मैं आपको बोली थी ना कि आपका एनर्जी ascending ओर है, 10, 11, एंड कमिंग सून, बहुत जल्दी वेलकम टू द नेक्स्ट असेंडिंग एज, जो आपकी एक्चुअल में गोल्डन टाइम फ्रेम मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक गोल्डन एज लिखा हुआ है अपर फॉर्म में, सत्य लिखा हुआ है, थैंक यू मस्ट स्पीकर। नंबर 8, सैटर्न का भी ऊर्जा है माय डियर, एंड मैंने ख़त्म की है आपकी रीडिंग को सैटर्न की एनर्जी के साथ ही। एंड 6, 7, 8 असेंडिंग ऑर्डर है, रेस्ट एश्योर्ड। ग्रुप नंबर 3 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू।